Alright everybody, this is our friend Haryo Bhagat back to new video. So guys, बहुत दिन हो चुके हैं. मैं वैसे फर्स्ट ही टाइम बोल रहा हूँ आप लोगों से, इंटरेक्टिंग नहीं किया है, तो मैंने सोचा एक वीडियो इंटरेक्शन का भी बनाया जाए. और ये वैसे भी ये वीडियो इंटरेक्टिंग के साथ फिटनेस व्लॉग भी है. एक मीन्स फिटनेस के बारे में आपको टिप्स दूंगा या मैं बताऊँगा आपको कि मैं क्या करता हूँ बस. सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. सो ये व्लॉग बनाने का आइडिया मेरे अंदर आया कब, जब मेरे फ्रेंड्स मुझे लगातार पूछने लग गए कि भाई तू करता क्या है, तेरा बॉडी अच्छी मेंटेन्ड है, तू कौन सा डाइट फॉलो कर रहा है क्या. सो इसमें बता दूँ मैं डाइट फॉलो नहीं करता है, मतलब ऐसा बोलते ना कि जो स्ट्रिक्ट डाइट होता है वैसा फॉलो नहीं करता, बट मेरा मतलब पर्सनल डाइट है एक छोटा सा, वो भी ब्रेकफास्ट में करता हूँ मैं वो फॉलो. तो वही डाइट मैं आपके साथ शेयर करूँगा. जिम तो मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ. तो होम वर्कआउट में मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ और कैसे मैं मेंटेन रख रहा हूँ मैं आपको सब बताऊँगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहली चीज़ गाइस, तो मैं डाइट में मतलब क्या फॉलो कर रहा हूँ. सो गाइस, मॉर्निंग में जब मैं वर्कआउट करने वाला होता हूँ, वाई मॉर्निंग ओनली क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि वर्कआउट हम लोग मॉर्निंग में क्यों करते. बहुत ही अच्छा रीज़न है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रीज़न है फैट लोगों के लिए, मीन्स जो मोटे लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि हम खाली पेट में हम ज़्यादा फैट बर्न कर सकते. इसके लिए वर्कआउट मोस्टली मॉर्निंग में होना चाहिए और नाइट में स्लीप, मतलब अपने को नींद बहुत ही अच्छी आती है, इसके लिए मॉर्निंग में हमको वर्कआउट करना चाहिए. अब कुछ लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में वर्कआउट करके थक जाते हैं तो डे पूरा ये निकलता है ऐसा निकलता है. सो जो सोचते हैं ना वो बहुत ही अलग, मतलब गलत सोचते हैं कि मॉर्निंग में वर्कआउट करने से आप थक तो जाते हो, बट घर पे आने के बाद जब फ्रेश होते हो उसके बाद आपका पूरा डे फ्रेश जाता है. रात को जब आप रेस्ट करते हो, मींस सोते हो, तब आपका जो होता है ना, मींस जो आपका स्लीप होता है ना, एकदम परफेक्ट होता है. सो हम लोग निकलते हैं अपने डाइट के लिए. अपने मतलब डाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ लोगों को. ऐसे अभी तो मैं पतला था, बहुत ही ज़्यादा पतला था, कि आप कवर फोटो में आपने देख ही लिया होगा कि मैं कितना पतला था पहले. सो ये जो मैंने थोड़ा सा ही गेन किया, अभी इतना कुछ ज़्यादा गेन नहीं किया है, तो इसको इसके पीछे एक रीज़न है. मीन्स मैं मेरे ट्रेनर्स हैं उनसे पूछे, जो जिम जाते हैं उन लोगों से थोड़े टिप्स लिए और कुछ मतलब जो है वो मैंने गूगल किए. सो स्टार्टिंग विद द मॉर्निंग एम्प्टी. सो गाइस, आप अगर मोटे हो तो आप खाली पेट वर्कआउट करें, अगर आप पतले हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उठने के बाद 2 केले, 2 डेट्स और 1 बाउल चना भिगा के रखना है रात को, और सुबह को उसका पानी भी पी जाना है और वो चना भी खा जाना है. अब ये तीन चीज़ खाने के बाद, अब मैं बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या है. ये तीनों भी चीज़ में आपको प्रोटीन मिलेगा, आपके बॉडी में प्रोटीन और कार्ब्स मिलेगा बहुत ही परफेक्टली, और अपने को जो वर्कआउट के वक्त जो थकान महसूस होगी वो कम होगी केले के वजह से. अब डेट्स जो होता है वो सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स होता है, मीन्स अपना वेट गेन करने के लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स होता है, बट इट्स एक्सपेंसिव, सो उसको मोस्टली कम ही प्रीफर किया जाता है. बट मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप डेट्स भी खाओ वेट गेन करना है तो. वर्कआउट में मैं प्रीफर करूँगा पानी कम से कम पियो, बट अपने बॉडी को डिहाइड्रेट मत करो. इसके लिए मैंने आपको बोला था कि मीन्स वर्कआउट से पहले बनाना एंड वो बनाना चना एंड डेट्स खाओ, जिससे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी. अब वर्कआउट के बाद मैं क्या करता हूँ, सो वर्कआउट के बाद मैं इमिडिएटली पानी नहीं पीता हूँ. पहले वर्कआउट होने के बाद मैं अपने बॉडी को रिलैक्स करता हूँ. स्ट्रेचिंग, वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग कर लो. चलो ये तो रहने दो फिलहाल के लिए, मैं आपको बताता हूँ मैं खाता क्या हूँ अभी आगे. तो अब वर्कआउट के बाद मैं वापस से 2 केले, 1 ग्लास मिल्क, फिर से 2 डेट्स, 2 और जो हमारा नाश्ता बना होता है घर पे, कुछ भी हो, उपमा, पोहा, चपाती, भाजी, जो भी चीज़ बना होता है वो खाता हूँ. तो आप बोल रहे हो यार ये डाइट फॉलो कर रहा है या जो बन रहा है सब कुछ खा रहा है. और हाँ, ब्रेकफास्ट में और एक चीज़ ऐड कर लो, 2 अंडे, मैं भूल गया था, 2 अंडे भी खाता हूँ फिलहाल के लिए. अभी मैंने बंद रखा है अंडे. अब अंडे में कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ एग वाइट खाना चाहिए, एग यूक नहीं खाना चाहिए. अगर आपको गेन करना है वेट
तो एग वाइट और एग युक दोनों खाना है, और आपको लूज़ करना है तो सिर्फ एग वाइट खाना है आप लोगों को। वेट गेन करने के लिए आपको फैट नहीं खाना है, फैट मीन्स ऑयली और शुगर, ऑयली चीज़ें, शुगर, जंक फूड्स बिल्कुल ही बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये हम लोग, मैं तो प्रीफर करूँगा जिनको वेट गेन करना है और वेट लूज़ करना है दोनों भी करें, शुगर, ऑयल और जंक फूड्स बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इसको, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ ये अवॉइड करने से। अगर आप ये तीनों भी चीज़ खा रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे को वेट गेन हो रहा है, तो गाइज़ वो वेट गेन नहीं हो रहा है आपको। देखो गाइज़, मोटा होना आसान होता है, आसान तो नहीं होता है मोटा होना, बट एक तरीके से मान लो कि आसान होता है वो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ये ऑयली वगैरह खा के आप मोटे हो सकते हो। बट मेन चीज़ क्या है कि पतले होना, जो पतले होना मतलब मेंटेन शेप में आना होता है ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आपको डाइट फॉलो करना पड़ता है, जो जो खास जो मतलब फेवरेट फूड है वो भी नहीं खा सकते हो, थोड़ा भी नहीं। इसके लिए मैं प्रीफर करूँगा आपको जो खाना है वो खाओ, बस ऑयली, शुगर एंड जंक फूड्स बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, जिससे कि आपकी जो बॉडी होगी वो प्रोटीन और कार्ब्स की रहेगी, जो ओरिजिनल मसल होगी, ना कि वेट होगा, मतलब फैट नहीं होगा खाली। अगर फैट से आपको रखना, फैट ही बढ़ाने बॉडी में, तो ऐसे जिम क्यों कर रहे हो, जिम छोड़ दो, अपने आप फैट बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोगों को कैसे मतलब और कैसे हम लोगों को प्रोटीन्स वगैरह मिलेगा, तो मैं तो ऐसे भी लंच में सिर्फ अपना नॉर्मल जो बनता है घर पे, दाल चावल भाजी, वो ही खाता हूँ। रात में चपाती और भाजी बनता है, वो सभी खाता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें भी डाइट फॉलो करना चाहिए, मतलब आफ्टरनून में और नाइट में, तो मैं बता दूँ कि नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर करना है तो और अच्छा है। तो मैं बता देता हूँ आप आफ्टरनून में क्या ले सकते हो। चिकन, बॉइल्ड चिकन मोस्टली आपको, मैं प्रीफर करूँगा सिर्फ बॉइल्ड चिकन खाए। अगर आपको फ्राइड चिकन खाना है तो वेट गेन करना है तो ही खाए फ्राइड चिकन। वैसे फ्राइड चिकन से वेट भी गेन होगा, फैट भी गेन होगा आपका। इसके लिए मैं तो बोलूँगा आपको बॉइल्ड चिकन इज़ बेटर ऑप्शन फॉर प्रोटीन। आप बॉइल्ड चिकन दोनों भी खा सकते, दोनों जन भी खा सकते हैं, जिसको वेट गेन करना है वेट लूज़ करना है दोनों भी खा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, बॉइल्ड चिकन के साथ क्या खाना है, बॉइल्ड चिकन के साथ खाना है आपको राइस। जिसको वेट गेन करना है, सुन लो ध्यान से, जिसको वेट गेन करना है वो राइस खाए बॉइल्ड चिकन के साथ। सैल्मन फिश होता है वो खा सकते हो आप आफ्टरनून में। और जो हमारा नॉर्मल खाना होता है ना गाइस, मैं आपको बेस्ट बोलूँ, जो हमारा नॉर्मल खाना होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, हमको वो ही खाना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे मतलब कर रहे हो, डाइट फॉलो करना है। इफ़ आपको चाहिए तो मैं आपको पूरे दिन का आपको डाइट बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो में करना है, कौन सा प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, मैं सब कुछ ए टू जेड एकदम डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, मैं पूरे वर्कआउट के दौरान डिहाइड्रेट नहीं रहना है हम लोगों को। इसके लिए मैंने बोला प्री वर्कआउट में, मतलब वर्कआउट से पहले ही आपको खा लेना है, एक घंटे पहले खाओ या आधा घंटा पहले खाओ, बट खा के जाओ, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। पानी भी पी लेना है वर्कआउट से पहले, डिहाइड्रेट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी सूख रही है, इसके लिए ध्यान रखना। वर्कआउट के बीच में बहुत टाइम हो जाता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, आपको चक्कर आने लगेगा। सो हैव अ प्री वर्कआउट मील, वाटर, स्टार्ट द वर्कआउट, एंड द वर्कआउट, हैव अगेन पोस्ट मील वर्कआउट मील होता है वो आप ले लो। सबसे मेन चीज़ जो पूरे वर्कआउट के बाद आती है, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, यू हैव टू गिव रेस्ट टू योर बॉडी। ओके, सो अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दो। रात में 12 बजे तक चैटिंग मत करो, 2 बजे तक चैटिंग मत करो, 10:30-11 को सो जाओ, सुबह को आराम से 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, वर्कआउट करो, 10 बजे अपना पूरा ख़त्म कर लो, पढ़ाई करो, क्लास अटेंड करो, कॉलेज जाओ, जो करना है सब कर लो। इफ़ आप लोगों को, आपके हिसाब से मैं आपको शेड्यूल दूँ तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको पूरा शेड्यूल दे दूँगा कि आपको प्रॉपर रेस्ट कैसे लेना है, डाइट में क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। डीएम में ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है @handsome_hung_hb। ट्विटर पर भी फॉलो कर लो यार, 0 फॉलोअर्स है क्योंकि उस पर कुछ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार ट्विटर का मुझको कुछ इतना मालूम नहीं, मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम का मालूम है। अब फेसबुक तो यूज़ करने से रहा तो इंस्टाग्राम ही यूज़ करता हूँ। गाइस शेयर करो वीडियो को, इतना अच्छा वीडियोस बना रहा हूँ और बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए, वीडियोस लाते रहूँगा जब तक मैं अपनी फैमिली, मेरे को जितने की बनाने की है, जितने लोगों की, मीन्स जो ड्रीम गोल है मेरा अभी फ़िलहाल के लिए 10 एम का है,
जब तक हम लोग ये 10M की फैमिली कंप्लीट नहीं करते तब तक वीडियोस लाते रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि 10M की फैमिली होने के बाद नहीं लाऊँगा गाइस, इसके बाद भी लाऊँगा मैं, उसके बाद भी वीडियोस लाते रहूँगा। सो गाइस जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। फिलहाल के लिए हम लोग अभी 200 सब्सक्राइबर्स को टच करने वाले हैं, उसके लिए सिर्फ 72 सब्सक्राइबर्स दूर है। फटाफट हिट करो सब्सक्राइब रेड बटन को हिट करो 10M, तो मेरे को अभी 200 छूना है, 200 टच करना है, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार। लेट्स मीट यू नेक्स्ट वीडियो। सो एक और चीज़ रुको। सो नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा डेयर के ऊपर है, उसके लिए मेरे को टीम नहीं मिल रहा है, मीन्स प्रॉपर टीम नहीं मिल रहा है, जो मतलब जो मेरी टीम है, मतलब जो आकाश है वो बाहर गया हुआ है, ऋषि है उसको मतलब अभी उन लोग अभी अपना उसका 12th वगैरह का पढ़ाई चल रहा है, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अजय हो गया, वो अपना फिटनेस मतलब देख रहा है, फिटनेस पे ध्यान है उसका, और उसकी भी मतलब 13th में हो तो उसका एग्ज़ाम आ रहा है। और विजय तो मतलब अपना ग्रेजुएशन का मतलब कर रहा है वो, तो उसके पढ़ाई में वो बिजी है, तो मीन सब बिजी है यार, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे क्लोज, तो सब अपने पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मतलब मेरी हेल्प करनी होगी तो मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर लो प्लीज़, कोलैबोरेशंस के लिए, इफ़ यू वांट टू कोलैब विद मी। मैं फटाक से यार रिक्वेस्ट रखता ही नहीं मैं किसका, फटाक से रिप्लाई दे देता हूँ, नहीं देना होता है तो डिलीट कर देता हूँ। आपको इंटरेस्ट है कोलैबोरेशन में या फिर मेरे साथ वीडियो बनाना है तो आप मुझे बोल दो, सब्सक्राइब कर दो, हिट द लाइक बटन, एंड लेट्स मीट यू नेक्स्ट वीडियो। आर्मी।